दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसे टीचर की जिसका नाम मिस टी है और ये स्टोरी बेस्ड है स्कैरी टीचर गेम पे। मिस टी अपने स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है और मिस टी का घर उसके स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। लॉकडाउन की वजह से मिस्टी का स्कूल खुल नहीं रहा, इसलिए मिस्टी ने डिसाइड किया है वो बच्चों को अपने घर पे ही बुला के ट्यूशन देगी। लेकिन मिस्टी एक साइको टीचर है, यानी कि ये टीचर बच्चों को सताती है और मारती है। मिस्टी की ये हालत बुढ़ापे की वजह से हुई है, क्योंकि मिस्टी 45 साल की हो चुकी है और इस उम्र में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मिस्टी का दिमागी संतुलन हिल चुका है, क्योंकि बच्चों ने मिस्टी को इतना ज्यादा तंग किया है कि मिस्टी ने डिसाइड किया है कि वो भी बच्चों को उतना ही तंग करेगी जितना बच्चे मिस्टी को तंग करते हैं। और मिस्टी ने बच्चों को तंग करने के लिए ही ट्यूशन बुलाया है, लेकिन बच्चे मिस्टी से इतना ज्यादा डर गए हैं कि वो ट्यूशन नहीं आते, सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम हैरी होता है। हैरी का एडमिशन इस स्कूल में हाल ही में हुआ है और हैरी को पता नहीं है कि स्कैरी टीचर एक साइको है और वो बच्चों को तंग करती है, इसलिए हैरी को मिस्टी से ट्यूशन लेने उसके घर जाना पड़ेगा। हैरी शॉन के मामा का लड़का है और शॉन ही हैरी को मिस टी के घर छोड़ने जा रहा है। शॉन को भी इस बात का पता नहीं है कि मिस टी एक खतरनाक टीचर है। शॉन हैरी को मिस टी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए छोड़कर उधर ही से गुल्ली बुल्ली के घर चला जाएगा और आते समय हैरी को ले लेगा। और शॉन ऐसा ही करता है। शॉन हैरी से कहता है, ओए छोटू, उस गाड़ी में बैठ जाओ। शॉन की बात सुनकर हैरी उस गाड़ी में बैठ जाता है। और शॉन भी उस गाड़ी में बैठ जाता है और अब शॉन हैरी को स्कैरी टीचर के घर छोड़ आएगा। शॉन गाड़ी स्टार्ट करता है और स्कैरी टीचर के घर की तरफ जाने लगता है। स्कैरी टीचर का घर शॉन के घर से ज्यादा दूर नहीं है। और थोड़ी देर बाद शॉन हैरी को लेकर स्कैरी टीचर के घर के सामने आ जाता है और हैरी से कहता है, हैरी आज तुम्हारे ट्यूशन का पहला दिन है, इसलिए कोई मस्ती मत करना, सिर्फ पढ़ाई करना। अभी शॉन हैरी से ये कह ही रहा था, तभी हैरी शॉन से कहता है, मुझे वो चॉकलेट चाहिए। ये तो एक चॉकलेट वाला है जो चॉकलेट ठेले पे लेकर बेच रहा है। अब हैरी ने चॉकलेट देख ही लिया है तो शॉन को चॉकलेट हैरी को दिलाना ही होगा, वरना फिर हैरी रोने लगेगा और शॉन को तो बच्चा संभालना ही नहीं आता। इसलिए शॉन ने हैरी को एक छोटा चॉकलेट दिलवाया, लेकिन लगता है हैरी को यह चॉकलेट पसंद नहीं आया और हैरी वहीं रोने लगा। हैरी को रोता देख शॉन हैरी से कहता है, अच्छा अच्छा भाई रुक जाओ, मैं तुम्हें बड़ा वाला चॉकलेट दिलाता हूँ। ये सुनते ही हैरी फिर से खुश हो गया। और आखिरकार शॉन को हैरी को बड़ा वाला चॉकलेट दिलाना ही पड़ा। चॉकलेट देते ही शॉन हैरी से कहता है, अब बहुत हो गया, जाओ जल्दी ट्यूशन जाओ। और शॉन ने हैरी को स्कैरी टीचर के घर के अंदर भेज दिया और फिर शॉन अपने गाड़ी में बैठता है और गुल्ली बुल्ली के घर जाने लगता है। Thank you.
इधर हैरी स्कैरी टीचर के घर के बाहर आकर डोरबेल बजाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टी ने अपने घर का दरवाजा खोला। और अपने घर पे एक छोटे बच्चे को देखकर मिस्टी बिल्कुल खुश हो गई, क्योंकि उसे आज टॉर्चर करने के लिए एक बच्चा मिल गया है। और फिर मिस्टी ने हैरी से कहा, अंदर आ जाओ बच्चे। मिस्टी की बात सुन हैरी मिस्टी के घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टी ने हैरी से कहा, वहीं रुक जाओ। मिस्टी की बात सुन हैरी वहीं रुक गया। और फिर मिस्टी ने हैरी के हाथ से वो चॉकलेट छीनने की कोशिश की, लेकिन हैरी उस चॉकलेट को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसलिए मिस्टी ने हैरी को उसका सर पकड़कर उठा लिया और हैरी से कहा, इस चॉकलेट को छोड़ दो छोटे बच्चे, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारा गाल लाल हो जाएगा। मिस्टी की ये बात सुनकर हैरी बिल्कुल डर गया और हैरी ने वो चॉकलेट मिस्टी को दे दिया। चॉकलेट लेते ही मिस्टी ने हैरी को छोड़ दिया, जिससे हैरी जमीन पे जा गिरा। हैरी को अपने ट्यूशन के पहले दिन ही ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टी ने हैरी से कहा, अंदर जाके बैठो, मैं तुम्हें मैथ पढ़ाऊंगी। मिस्टी की बात सुन हैरी अंदर चला जाता है। इधर शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचता है और शॉन घर के अंदर जाता है। अंदर आते ही शॉन को गुल्ली बुल्ली मिल गए। गुल्ली बुल्ली तो कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं। तभी शॉन ने गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाई। गुल्ली बुल्ली जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो शॉन को देखकर बिल्कुल खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को लगता है शॉन तो आज इनके साथ मस्ती करने आया है और आज ये लोग पूरे दिन सिर्फ मस्ती करेंगे। तभी बुल्ली शॉन से कहता है, और बताओ शॉन, यहाँ कैसे आना हुआ? शॉन ने गुल्ली बुल्ली से कहा, तुम्हें याद है गुल्ली बुल्ली, मेरे मामा का लड़का हैरी, वो मेरे यहाँ ही रह रहा है क्योंकि आज से उसका ट्यूशन चल रहा है और मैंने उसे मिस टेरेसा के यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा है। गुल्ली बुल्ली ये सुनकर शॉन से कहते हैं, शॉन तुम क्या कह रहे हो, मिस टेरेसा यानी कि वही मिस टी? अरे यार, वो तो एक साइको टीचर है, वो तो बच्चों को टॉर्चर करती है। तुमने हैरी का एडमिशन उसके यहाँ क्यों कराया? क्या हैरी ट्यूशन पढ़ने मिस टी के यहाँ गया है? हाँ गुल्ली बुल्ली, हैरी ट्यूशन पढ़ने मिस टी के यहाँ ही गया है। शॉन, अगर ऐसी बात है तो हमें हैरी को बुलाना होगा, वरना वो मिस टी उसे टॉर्चर करेगी। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था गुल्ली बुल्ली, हमें चल के हैरी को लाना होगा। दोस्तों, अब क्या होगा हैरी का? क्या गुल्ली बुल्ली हैरी को स्कैरी टीचर के चंगुल से निकाल पाएंगे या नहीं? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट टू। देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।